हाय गाइस, ए टू जेड कार टेक का नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में है सुजुकी वैगन आर, और इसमें जो प्रॉब्लम है, गाड़ी स्टार्ट करने के बाद चेक इंजन लाइट ऑन है और आरपीएम फ्लक्चुएट कर रही है, और फ्लक्चुएट करते करते बंद भी हो जा रही है गाड़ी। गाड़ी को पहले स्कैन करेंगे, पहले गाड़ी स्टार्ट करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए, गाड़ी स्टार्ट है, चेक इंजन लाइट ऑन है, आरपीएम का आरपीएम मीटर देखिए एक के नीचे है, देखिए फ्लक्चुएट स्टार्ट हो चुका है, देखिए फ्लक्चुएट कर रहा है। गाड़ी एकदम स्टेबल नहीं है, गाड़ी स्टार्ट करने के बाद बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है। और फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर किसी टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, मैं वीडियो बनाऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं आरपीएम का जो नीडल है वो फ्लक्चुएट कर रहा है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, और चेक इंजन लाइट भी ऑन है। इसे स्कैनिंग करेंगे हम लोग और देखेंगे इसमें फॉल्ट कोड क्या आ रहा है। देख सकते हैं आप, गाड़ी बंद हो चुकी है। एक मिनट, देख सकते हैं गाड़ी बंद है, और ये मेरा स्कैन टूल कनेक्टेड है, एक्स टूल का PS70 Pro। स्कैन करते हैं। ओके, सुजुकी ऑटोमेटिक डिटेक्शन, एंटरिंग द सिस्टम, प्लीज वेट। ओके ओके, ऑटोमेटिक स्कैन, इंजन में एक फॉल्ट है, पावर स्टीयरिंग पे प्ले, पहले इंजन देख लेते हैं, रीड ट्रेवल कोड, थ्रॉटल पैडल पोजीशन सेंसर, स्विच ए सर्किट हाई, P0123। पैडल तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक पैडल नहीं है ये, थ्रॉटल, इसका टीपी सेंसर चेक करना पड़ेगा। ठीक है, गाड़ी को पहले बैक कर लेता हूँ, पावर स्टीयरिंग में देखते क्या है, रीड ट्रबल कोड, इंजन स्पीड सिग्नल मेल फंक्शन। ठीक है, वो पहले थ्रॉटल का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखते हैं, दोनों कोड एक साथ चला जाएगा शायद। अब मैं बाहर जाता हूँ इंजन कंपार्टमेंट के पास और फिर आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स, बाहर आ चुका हूँ, एयर फिल्टर मैंने पहले ही हटा दिया है, और थ्रॉटल ये रहा, थ्रॉटल के पीछे ये टीपी सेंसर है, ये रहे इसकी टीपी सेंसर, और इसका जो कपलर ये है, इस पर तीन वायर होते हैं, और बाहर की तरफ ये है इसकी आईसी वाल्व, इंटेक एयर कंट्रोल वाल्व, इस पर भी तीन वायर है, और एक चीज़ ये रही इसकी IAT सेंसर। इसके बारे में वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ, मेरे चैनल पर है, आप देख सकते हैं, इंटेक एयर टेम्परेचर सेंसर है ये। ये रहा इसकी टीपी सेंसर, इसका कपलर पहले खोल लूँगा, और इसके कपलर के जो तीन वायर है उसका कनेक्शन चेक करूँगा मल्टीमीटर से। तीन वायर पे ये रहा इसकी कपलर, और ये जो तीन वायर है इस पे एक वायर पे आएगा आपका नेगेटिव, और एक वायर पे होगा इग्निशन ऑन करने पे 5 वोल्ट पॉजिटिव, और एक वायर होगा आपका सिग्नल वायर। फिर से बता देता हूँ, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, 5 वोल्ट इग्निशन ऑन करने के बाद आएगा ये 5 वोल्ट पॉजिटिव, और एक होगा आपका सिग्नल वायर। सिग्नल वायर ECM तक डायरेक्ट कनेक्शन होता है, 5 वोल्ट भी इग्निशन तक, मतलब ECM तक कनेक्शन है। अब क्या करेंगे, मल्टीमीटर, ये रहा मल्टीमीटर, मल्टीमीटर पहले ही कनेक्ट कर चुका हूँ, 20 वोल्ट DC पर है, ब्लैक प्रोब माइनस पर है, और ये रहा इसका पॉजिटिव रेड प्रोब, और इसको चेक करेंगे एक एक करके, हर एक पिन पर टच करके देखेंगे कौन सा नेगेटिव है, कौन सा पॉजिटिव है, और कौन सा सिग्नल है। पहले लेफ्ट साइड का टच कर रहा हूँ, ये मैंने टच कर दिया, आप देख सकते हैं कोई हलचल नहीं है, मतलब ये नेगेटिव है, और राइट साइड का टच करता हूँ,
5 वोल्ट, ये हो गई आपकी पॉजिटिव 5 वोल्ट पॉजिटिव, और मिडिल वाला जो बाकी है ये सिग्नल वायर है 1.98 है, 1.98 ये रेफरेंस वोल्टेज है। सो अब क्या करेंगे, इसका कपलर में लगा दूंगा फिर से टीवी सेंसर पे, और फिर बाहर से थ्रॉटल को ऑपरेट करूंगा मैनुअली, थ्रॉटल का जो वाल्व है, और इसके जो सिग्नल, ये वाला जो सिग्नल वायर है इस पर देखूंगा इसका वोल्टेज कितना आ रहा है। सो ये रही ग्रीन के ऊपर रेड वायर, इसको पहले ही मैंने बाहर से छील लिया हूँ सिग्नल वायर टच करके देखने के लिए, और कपलर लगा लेता हूँ। सो इसका थ्रॉटल फुल ओपन, फुल्ली ओपन पे 4 वोल्ट से 4.5 वोल्ट तक इसका वोल्टेज आना चाहिए सिग्नल वायर पे। ये रही सिग्नल वायर जो कि है पूरा ECM से कनेक्शन डायरेक्ट, और इसके सिग्नल वायर पे मैं वोल्टेज चेक करूँगा थ्रॉटल ऑपरेट करते हुए। सो ये रही मल्टीमीटर की रेड प्रोब, मैंने टच कर दिया इसके अंदर, देख सकते हैं 1.98 वोल्ट का रेफरेंट वोल्टेज जो पहले था वही है। अब मैं थ्रॉटल को मैन्युअली ऑपरेट करूँगा, मैंने थ्रॉटल को फुल्ली ओपन कर दिया हूँ, देखिए वोल्टेज नहीं बढ़ा, मतलब इसके टीपी सेंसर पे ही प्रॉब्लम है, टीपी सेंसर में ही प्रॉब्लम है, क्योंकि जो वोल्टेज आना चाहिए नेगेटिव आना चाहिए तो वो तो सही से आ रहा है, इसका मतलब टीपी सेंसर सिग्नल नहीं दे रहा है। तो थ्रॉटल पूरा खोल लेंगे, देखेंगे इसका टीपी सेंसर में क्या है। थ्रॉटल खोल चुका हूँ फ्रेंड्स, ये रही इसकी थ्रॉटल, पूरा बाहर निकाल चुका हूँ, और इसमें देखिए इसका टीपी सेंसर टूट चुका है, और फेविक्विक से किसी ने जॉइंट किया होगा पहले कहीं पर काम किया होगा, तो कस्टमर ने काम कराया होगा तो वहाँ पर फेविक्विक से इसको जोड़ दिया होगा, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये रही इसकी कपलर का पार्ट जो टूट के अंदर ही अटका हुआ है। सो इसका टीपी सेंसर में भी प्रॉब्लम है, इसको चेंज करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और देखिए ये एक्सीडेंटल कार है, रिपेयर हो चुका है, और इसका जो इंटेक मैनिफोल्ड है उस पर भी किसी ने ग्लास पेस्ट लगा के रिपेयर किया है, दिखाता हूँ एक मिनट, ये रहा ग्लास पेस्ट से रिपेयर यही है। सो फ्रेंड्स इसका प्रॉब्लम तो पता लग गया है, अब नया टीपी सेंसर मंगा के इसको लगाएंगे और इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।